ओम शांति। देखिए, परमात्मा से जो हमारा संबंध जोड़ने का आधार है, दोस्ती का आधार, और वो दोस्ती का आधार क्या है? समानता। देखते हैं कि ईश्वर के साथ हमारी कोई समानता हो सकती है क्या? तो देखिए, परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, वह जो है प्रकाश का पुंज है। हम भी आत्माएं प्रकाश का पुंज है, तो पहले समानता हो गई। गुण है आत्मा के, जो स्वधर्म है, जो आत्मा के सात स्वरूप हैं, और परमात्मा सर्व गुणों का सागर है। तो ये हमारा, उसका और हमारा समानता हुई। स्थान, वह भी परम धाम का निवासी, परम धाम का वासी, और हम भी परम धाम के रहने वाली आत्माएं परम धाम निवासी हैं। तो यह एक समानता हुई। तो परमात्मा हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र बन सकते हैं, क्योंकि हमारे और उनमें समानता है। उनको अपना दोस्त बनाकर तो देखिए, वो हमारी हर बात का, हर एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे। दोस्त हो या फिर आप खुदा दोस्त बनाएं, अभी तक हमारे जीवन में जो भी आपने सुना है, चाहे वो मीरा का हो, चाहे किसी का भी आप एग्जाम्पल लें, चाहे शबरी के बेर का लें, तो सभी उस ईश्वर को इतना प्रेम करते थे, इतना उन्हें उनके साथ में ऐसे संबंध थे, इसीलिए फिर वो इतने महान बने ना। तो यही ईश्वर के साथ आपकी समानता और दोस्ती का आधार है। ओम शांति।